नमस्कार, मैं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज रिव्यूज। आशा है आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। दशहरे के करीब डेढ़ माह पूर्व ही लंकेश की हत्या कर दी गई। जी हाँ, मैं उस लंकेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकार गौरी लंकेश की बात कर रहा हूँ। कन्नड़ पत्रकार और राइट और एक एक्टिविस्ट जो कि वामपंथी धारा से प्रभावित थी और राइट विंग हिंदुइज्म के खिलाफ थी, उनकी हत्या उनके घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार के कर दी। इस हत्या से पहले मैंने लंकेश का नाम नहीं सुना था, हो सकता है आपने भी नहीं सुना। मैं काफी राजनीतिक रूप से और जागरूक आदमी हूं, तो वो एक फेमस पत्रकार अचानक रातों रात बन गई। यहां तक कि ऐसा हुआ कि उनकी हत्या लगभग 8:30 पे की गई और भोपू मीडिया 9 उसको जोर जोर से अपने फुल वॉल्यूम पे बता रहा था। इसको कर्नाटका के मुख्यमंत्री, जिनके खुद राज्य में यह हत्या हुई और जो खुद उसके लिए उनकी सुरक्षा प्रदान करने के जिम्मेदार थे, वो कहते हैं कि इसको लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ पत्रकार लोग ये कह रहे हैं कि ये बोलने की स्वाधीनता पे बहुत बड़ा एक हमला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको पत्रकार मानते हैं या एक एक्टिविस्ट मानते हैं जो कि हिंदू रूढ़िवादिता के खिलाफ था और आरएसएस और बीजेपी के तथाकथित हिंदुत्व के खिलाफ थी। ये कितनी प्रसिद्ध थी लंकेश, इसका एक बात और जायजा इस बात से लिया जा सकता है कि वो एक मासिक साप्ताहिक पत्रिका निकालती थी जिसका सर्कुलेशन 5,000 था। तो अचानक रातों रात इन्हें देश का एक सिंबल, पत्रकारिता का सिंबल बना दिया गया, इंडिपेंडेंस मीडिया का सिंबल बना दिया गया और चीखे मार के मीडिया रो रहा है। इसमें रवीश कुमार एनडीटीवी के, जो कि प्रखर रूप से मोदी विरोधी माने जाते हैं, बहुत ही हाई पिच पे रो रहे थे। काफी जगहों पर कैंडल मार्च हुए, कैंडल जलाई गई, यहां तक ममता बनर्जी ने भी कैंडल जलाई। और ये कहा गया कि ये जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलेगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। वो बोल रही थी अब तक। लंकेश एक प्रखर रूप से हिंदुत्व की विरोधी थी। उनकी मृत्यु के बाद वह क्रिश्चियन थी, ये मुझे बाद में पता चला जब उन्हें मुझे पता चला कि उनको दफनाया गया है। उनको दफनाते वक्त कोई भी रिचुअल नहीं किया गया क्योंकि वह एक रैशनलिस्ट, एक तर्कवादी व्यक्ति थी। तो फिर आप तर्कवादी हैं तो आप किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरे हिंदुत्व का कैसे विरोध कर सकते हैं? तो कुल मिला के वो आरएसएस और मोदी जी के विरोधी थी और यही कारण था कि वो उनके खिलाफ दिखती थी। हालांकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सिद्धरमैया और यहां तक कि कर्नाटका के लॉ मिनिस्टर जयचंद्रन ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि इनकी हत्या उसी वजह से हुई। हालांकि अभी तक न तो कलबुर्गी की, जिसकी पहले हत्या की गई थी, उसके कारणों, उसकी मृत्यु के कारणों का जांच पता का कारण लग सका है और ना ही अभी इनके मामले में जांच की शुरुआत हुई है। इससे पहले ही उन्होंने, यहां तक कि राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके जिम्मेदार ठहरा दिया। ये है एक फटे में हाथ डालने वाली बात या ट्रबल इन फिशिंग वाटर की बात है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी कूद गए। लंकेश को कर्नाटक सरकार इतनी ज्यादा बेचैन है अपने चुनाव के प्रति वहां के कांग्रेस की, उन्होंने लंकेश, गौरी लंकेश का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें दफनाया गया। ऐसा अभी तक किसी पत्रकार या सामान्य नागरिक के साथ में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरस्ट केसेस में होता है। और सांख्यिकी देखें तो आप पिछले 2016 में करीब करीब 5 पत्रकार मारे गए। ये पत्रकार ऐसे नहीं थे जो कि एंटी मोदी थे या एंटी हिंदुइज्म थे। इनमें से तरुण मिश्रा को कानपुर में मारा गया, इंद्रदेव यादव को कोलकाता में मारा गया, राजेंद्र रंजन को बिहार में मारा गया, बताया था कि शहाबुद्दीन का हाथ था उसमें, किशोर दाने नामक गुजराती पत्रकार की हत्या की गई और एक धर्मेंद्र सिंह की हत्या की गई। इनमें से किसी को भी राजकीय सम्मान के साथ नहीं दफनाया गया। तो लंकेश को दफनाया करने का सीधा सीधा मतलब है कि सिद्धरमैया राजनीति कर रहे हैं और इसको वोटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये एक तरह से उनकी अपनी तरीका है पोलराइजेशन का कर्नाटका के चुनावों के पहले।
कहां तक सफल होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे सी बात है, एक बार फिर से इंटॉलरेंस ब्रिगेड मुखर रूप से सामने आई है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी हत्या में उस इंटॉलरेंस ब्रिगेड का ही हाथ हो जो कि ये चाहती है कि इस सब्जेक्ट को वापस उठाया जाए और वापस से फिर से एक माहौल बनाया जाए 2019 के चुनावों के पहले, क्योंकि विपक्ष की हालत बहुत खराब है अभी और न तो उनमें एकता हो पा रही है, तो वह इसी तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले भी वीडियो में कहा कि हिंदुत्व सांप्रदायिकता आदि मुद्दे अब चुनाव में नहीं चलेंगे यदि विपक्ष को या पर्टिकुलरली कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी आदि को राष्ट्रीय स्तर पे एक विकल्प देना है तो उन्हें नए मुद्दे खोजने पड़ेंगे और जो कि विकासमान भारत को रिप्रेजेंट करते हों। तो मैं इसी के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ, मेरा कहीं से कहीं तक गौरी लंकेश को लंका के राजा रावण